तो उधर महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी गौ हत्या विरोधी कानून लाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा में जारी बजट सत्र में हरियाणा सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत तक की सजा प्रावधान है। यही नहीं, इस कानून के तहत गोमांस बेचने और रखने दोनों पर पाबंदी होगी। एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसके तहत गाय का मांस हरियाणा में ना तो बेचा जा सकेगा और ना ही रखा जा सकेगा। महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा सरकार बजट सेशन में गोमांस और गोहत्या को बैन करने के लिए बिल पेश करने जा रही है। बिल पास हो जाने के बाद गौ हत्या करने वालों पर सेक्शन 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा। गाय वध करने वालों के साथ इसके मांस के व्यापारियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि राज्य सरकार गायों की सुरक्षा और पालन पर बिल बजट सेशन में पेश करने जा रही है। सरकार ने इस बिल का नाम गोवंश संरक्षण और गौ सर्वधन दिया है। धनखड़ ने ये भी कहा है कि इस बिल का उद्देश्य गायों की हत्या को रोकना और देसी पशुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। संरक्षण और संवर्धन, इसका एक कानून लेकर, नया विधेयक जो है लेकर आ रहे हैं 2015, सशक्त कानून जो है होगा। धनखड़ ने ये भी कहा है कि कौन सा मांस किस पशु का है इसका निर्धारण करने के लिए राज्य में साइंटिफिक टेस्ट के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसमें टेस्ट कर गाय के मांस की शिनाख्त होगी। धनखड़ ने कहा है कि टेस्ट रिपोर्ट कानूनी लड़ाई में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में पैकेज्ड बीफ बैन कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि राज्य में 400 गौशाला एनजीओ की मदद से चलाई जा रही है। इनमें करीब 3,000 गाय हैं। इसके अलावा सड़कों और मैदानों में घूमने वाले आवारा गायों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। धनखड़ ने कहा है कि इन गायों के लिए प्रदेश में गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि इन दिनों बिल को कानूनी रूप मिलते ही उसका चुनाव में जनता से किया गया वादा पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना बताती है। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह और मनोज राठी के लिए हलिंका और डेनाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।